और बहुत अच्छे से मुझे लगता है वो अपनी पूरी डिग्निटी के साथ वो गेम खेल रही है, जिसमें मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। आप दोबारा सवाल कीजिए, मैं क्लियरली समझ नहीं पा रही हूँ आपने क्या कहा है। अब तक की जो जितनी भी जर्नी रही है पलक की, तो कौन सा ऐसा मोमेंट था जहाँ आपको लगा कि ये मोमेंट सबसे बेस्ट मोमेंट है, और अब तक की जर्नी एक शॉर्ट आंसर में मैं बताऊं तो अब तक की जर्नी के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? तो वो सारे अच्छे हैं। पूजा मैम का जो है वो बहुत ज़्यादा सीनियर है, तो मुझे लगता है कि फलक को उनकी रिस्पेक्ट की वजह से, जहाँ पे उसको काफ़ी चीज़ें वो बोल सकती है लेकिन वो रिस्पेक्ट की वजह से वो वहाँ पे अपने आप को रोक देती है। नहीं देखिए, इस चीज़ पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि ये एक गेम है और हर इंसान की अपनी एक जर्नी होती है, उसकी अपनी एक मंजिल होती है। फलक गेम के लिए आया है तो डेफिनेटली अपने एफर्ट्स ही डालेगा, और डालने भी चाहिए उसको। मैम सबसे पहले गुड टू सी यू, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच। ये जो 2-3 महीने की मैं बात कर रही हूँ, इतनी अमेजिंग आपके फैमिली के लिए कर रहे हैं, अमेजिंग मित्र, एक अभी साउथ अफ्रीका से आया और एक ओटीटी में मैं बोल सकता हूँ राज कर रही है, वो रानी की तरह राज कर रही है, उनको इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है, आप किस तरह से देखो ये जो जो 2-3 महीने है काफी अमेजिंग जा रहे हैं आप लोग के फैमिली के लिए, टेल अस समथिंग अबाउट दिस। सबसे पहले तो ऊपर वाले का बहुत बहुत उसका दिल से शुक्रिया, और जो हर वक्त मैं करती हूँ कि एक बहुत बुरे वक्त के बाद एक बहुत अच्छा वक्त आया है अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरे हमारी ऑडियंस का शुक्रिया कि उन्होंने इतना प्यार दिया कि आज एक बेटा मेरा साउथ अफ्रीका से खतरों का खिलाड़ी करके आए हैं, उसने स्टंट भी किए हैं अमेजिंग, जो कि मुझे देख के एक्चुअली मुझे डर लग रहा था कि ये क्या कर रहा है। और दूसरी अल्हम्दुलिल्लाह बिग बॉस में है, और बहुत अच्छे से मुझे लगता है वो अपनी पूरी डिग्निटी के साथ वो गेम खेल रही है, जिसमें मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। दो बड़े रियलिटी शो इंडिया में है, एक तरफ फिलहाल मारी गई थी, एक तरफ फलक जा रही थी, तो आपके मन में क्या चल रहा था? क्या चल रहा था? टू बी फ्रेंकली, शिजान के लिए खतरों के खिलाड़ी, क्योंकि उससे मुझे खुद को भी बहुत डर लगता है, मैं नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन क्योंकि मैं सिर्फ माँ नहीं हूँ, बाप का फ़र्ज भी मैंने हमेशा अदा किया है, तो वहाँ मुझे लगा कि नहीं, मुझे बाप बन के शिजान के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि नहीं, तुम जाओ, अपने डर को अपने अंदर रख के मुझे उसको बोलना पड़ेगा कि तुम जाओ, क्योंकि माँ के आंसू बच्चे को पिघलाते हैं और कमज़ोर करते हैं कई बार, ऐसा मुझे लगता है, तो वो माँ के आंसू मुझे वहाँ नहीं गिराने थे, मैंने उसको यही बोला कि तुम जाओ और अपना बेस्ट दो, जीत के आना, ना जीतना वो सब ऊपर वाले के हाथ में, तुम सिर्फ दिल जीतो जाके। अब तक जिस तरह गेम खेल रहे हैं, पलक की मैं बात करूं, किस तरह के आपके लगे, कौन सा एक बेस्ट मोमेंट आपको लगा कि ये जो टास्क था या फिर ये जो मोमेंट था काफी बेस्ट है अब तक? आप दोबारा सवाल कीजिए, मैं क्लियरली समझ नहीं पा रही हूँ आपने क्या कहा है। अब तक की जो जितनी भी जर्नी रही है फलक की, तो कौन सा ऐसा मोमेंट था जहाँ आपको लगा कि ये मोमेंट सबसे बेस्ट मोमेंट है, और अब तक की जर्नी एक शॉर्ट आंसर में मैं बताऊं तो अब तक की जर्नी के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? फलक की जर्नी बहुत अच्छी जा रही है, और एक टास्क तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि टास्क तो देखिए वहाँ पे अपने अपने हिसाब से सब लोग करते हैं, लेकिन एक बहुत जो फलक की पर्सनालिटी है उससे रिलेटेड एक इंसिडेंट वहाँ पे हुआ था, जब जैद हदीद जो है वो ब्रेक डाउन होता है और वो बहुत ज़्यादा होता है, और वहाँ पे उसको फलक संभालती है, तो मुझे लगता है कि फलक की जर्नी का वो सबसे बेस्ट पार्ट था, जहाँ पे वो एक्चुअल वही है जो वो अंदर है। ये किस्सा आई गेस आप बात करो आकांक्षा के जाने के बाद, जो दूसरा टास्क आता है जहाँ पूजा मैम भी रहते हैं, फलक रहते हैं, ये किस्सा उसी समय का आई गेस जब जैद सबसे ज्यादा ब्रेकडाउन हुए थे घर पे। यस, वो बहुत ज्यादा ब्रेकडाउन हुए थे, उन्होंने अपना सामान वामान सारा नीचे निकाल लिया था, और बहुत ज्यादा वो रो रहा था उस टाइम, हालांकि फलक उससे बात नहीं कर रही थी, क्योंकि उससे पहले वो कुछ शेमिंग वाला इंसिडेंट हुआ था, बेबिका के साथ जैद की लड़ाई हुई थी, और उस लड़ाई के बाद फलक ने, आपने देखा ही होगा कि वो उसको प्यार से जादू जादू बोलती, और उसने उसको भाई बना लिया है अपना, और वो उसको उसी तरह से ट्रीट भी करती थी कि लाइक माय ब्रदर, लेकिन वो एक इंसिडेंट वहाँ ऐसा हुआ कि जहाँ पे फलक को लगा कि नहीं, इसको मैं भाई नहीं बनाऊंगी, और वहाँ पे उसने ये मैंने कहते हुए सुना, उसने बोला कि नहीं मेरा हो गया, किसी की रिस्पेक्ट के आगे मैं, रिलेशन भी नहीं है मेरा,
उससे बढ़ के नहीं है और वो ऐसी ही है और उसने वहाँ वो ख़त्म कर दिया था। बट जिस दिन जैद हदीद को ब्रेकडाउन हुआ उस दिन फलक ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली और बहुत समझदारी के साथ, वो कहते हैं ना कि उसने वो सब कुछ प्लान नहीं किया, वो टास्क में नहीं थी, वहाँ उसका दिमाग नहीं, उसका दिल चला और उसने उस दिल के साथ जैद को बहुत अच्छे से संभाला। तो मेरे लिए तो वो बहुत एक प्रेशियस मोमेंट था जहाँ पे फलक ने अपने आप को तो हर कोई संभाल लेता है बट खुद किसी और को संभालना वो बहुत बड़ी बात होती है। फलक जी की मैं बात करूँ तो जिस तरह वो लोगों से जो रिलेशन बनाया इतना अच्छा बना, इतना प्योरिटी वाला रिलेशन, बट पूजा मैम, साइरस जी जो अब नहीं है घर पे, अविनाश हो गया, ये जो ग्रुप है उसके उस ग्रुप के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए ग्रुप में सबसे बड़ी बात तो ये कि सब लोग गेम खेलने के लिए अंदर गए हैं, बट कुछ नेचुरली इंसान के वहाँ पे रिलेशन बन जाते हैं, वहाँ उनके अपने नहीं हैं, वहाँ पे सब लोग अनजान हैं और फलक का तो एक्चुअली कोई नहीं है। फलक तो जिनसे भी मिली है अभी के इस वाले में OTT में, वो सब सारे फलक के लिए अनजान है। उनके साथ फलक ने कभी पहले किसी से बात नहीं की है, पर्सनली किसी को जानती नहीं थी, तो एक वो कम्फर्ट जोन आ जाता है जहाँ दो लोगों की सोच एक जैसी होती है। तो वो सारे अच्छे हैं। आप पूजा मैम का जो है वो बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, तो मुझे लगता है कि फलक को उनकी रिस्पेक्ट की वजह से, जहाँ पे उसको काफ़ी चीज़ें वो बोल सकती है लेकिन वो रिस्पेक्ट की वजह से वो वहाँ पे अपने आप को रोक देती है। फलक और अविनाश की मैं बात करूँ, मुझे ऐसा लगता है कि घर पे पूजा मैम के बाद सबसे ज़्यादा जो मैच्योर लेवल की बात होती है वो दोनों में मुझे कई हद तक नजर आती है। जिस तरह अविनाश ने उनको कहा कि आई लाइक यू और जिस तरह उन्होंने लिया और बहुत अच्छे से वो दोनों के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग थी वो एक गलती कि मैच्योर जो लोग बात करते हैं उस तरह से जल्दी, आप एज अ व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू आपको कैसा लगा और जब उन्होंने कहा तो आपका क्या थिंकिंग था? देखिए इस सवाल का जवाब फलक ने खुद ही उसमें बिग बॉस के अंदर दे दिया था कि हम दोनों निब्बा निब्बी तो है नहीं, आई एम सॉरी, तो हम दोनों मैच्योर हैं। तो उन्होंने मैच्योरिटी के साथ किसी को पसंद करना और अपनी पसंद का इजहार करना बिल्कुल गलत नहीं है, अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आपको बोलना चाहिए, लेकिन उसकी पसंद को सामने वाला कैसे लेता है, उनको टाइम देना चाहिए एक दूसरे को, वो बिल्कुल सही है, मैं उस चीज़ से अग्री करती हूँ। मनीषा रानी फलक भी कहती है, बट जब भी नॉमिनेशन का टास्क होता है या फिर जब कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करना रहता है वो हमेशा फलक का नाम लेती है, ऐसा क्यों आपको लगता है? और तीन बार या चार बार से भी ज्यादा उन्होंने नाम लिया था, कल भी इस चीज का जिक्र हुआ था, कल आपने देखा रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल, क्या लगता है वो रिलेशन कितना रियल है कितना फेक है? देखिए यहाँ पे कुछ लोग सिर्फ गेम खेलने आए, उनको गेम खेलने के लिए रिलेशन वहाँ पे बनाने पड़ रहे हैं, और कुछ लोग रिलेशन में हैं, उनके लिए गेम जो है वो सिर्फ एक गेम है, गेम के आगे भी उनको अपने वो रिलेशन अपनी उसी डिग्निटी के साथ अपने उसी प्योर सोल के साथ उनको आगे भी मेंटेन करने हैं। तो मनीषा का गेम अलग है, उसके लिए वो सिर्फ एक गेम है, जहाँ पे उसको अभी वो कैप्टन है तो उसको दीदी दीदी बोलना है और वो दीदी सामने से बोल रही है लेकिन पीछे से वो नो डाउट बहुत बुराइयां कर रही है, तो उसके लिए उसका गेम जीतना जो है वो उसका टारगेट है। एज अ व्यूअर पॉइंट मुझे काफी फेक लगता है, आप व्यूअर पॉइंट भी है और आप फैमिली मेंबर भी हो, तो आपको कितना रियल लगता है कितना फेक लगता है? और वो जब घर के बाहर आएंगे फलक कभी भी ट्रॉफी लेके आए या फिर पहले भी आए, आप इस चीज पे जिक्र करने वाले हो कि जो मनीषा रानी है वो काफी फेक थी? नहीं, देखिए इस चीज़ पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी क्योंकि ये एक गेम है और हर इंसान की अपनी एक जर्नी होती है, उसकी अपनी एक मंजिल होती है। फलक का जो है वो, और ये जो मैं शो देख रही हूँ ये मैं एज ए मदर नहीं देख रही हूँ, मैं भी एज ए व्यूअर ही उस शो को मैं देखती हूँ, अगर मदर देखती तो मैं उसको अंदर ही जाने नहीं देती, मैं मना ही कर देती। एवरेज के आने के बाद कितना एनवायरनमेंट में बदलाव आया है आपको क्या लगता है, कितना घर पे बदलाव कितना आया? उनका सबसे बड़ा झगड़ा अविनाश के साथ हुआ था जहाँ उन्होंने कहा था कि आपका थोबड़ा मुझे पसंद नहीं है, उसके बाद काफी बड़ा झगड़ा हुआ था, थोड़ा मुझे एनवायरनमेंट में चेंज आया आते हुए नजर आ रहा है, आप अगर कुछ बताना चाहोगे एवरेज के बाद, आशिका का तो अलग सवाल रहेगा, एवरेज के बाद कितना घर पे बदलाव आया है और अभिषेक के गेम पे कितना बदलाव आया है?
देखिए जब कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है तो उनके पास प्लस पॉइंट ये होता है कि वो बाहर से सब कुछ देखकर जाते हैं और सबके बारे में उनको एक एक चीज़ पता होती है, उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी, उनका ट्रिगर करना, उनका वीक पॉइंट भी। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ उनके लिए बेनिफिशियल है, किसी के लिए भी। एल्विश से मेरी पर्सनली, मैं उनको नहीं जानती हूँ, गेम के लिए आया है तो डेफिनेटली अपने एफर्ट्स ही डालेगा और डालने भी चाहिए उसको। और उसके आने से काफ़ी एक वो कहते हैं ना कि घर के अंदर एक भूचाल आ गया है जो कि आना चाहिए था, तो वो अच्छा लग रहा है देखने में।